जय क्रॉली सरकार की। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो वीडियो देख रहे हो ये क्रॉली सरकार के सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कांटेक्ट में जितने भी दरबार के भक्त हैं और जो नई हैं, बनने वाले हैं इन फ्यूचर, वो सभी लोगों को आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ सभी भक्त ले सके। और जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि बाबा जी माता जी होली के दिन ही एक नई शक्ति खोले हैं, जिसके बारे में आपको पता भी है लेकिन आपको इनकम्प्लीट नॉलेज उसके बारे में। तो बहुत सारे लोगों का ना कमेंट भी आ रहा था, लाइव में आ रही तो पूछ भी रहे थे कि पूजनी बाबा जी माता जी जो शक्ति खोले हैं वो जो पुराने लोग हैं उनके लिए है कि नए वालों के लिए है, पुराने वाले उसके अंदर आ सकते हैं कि नहीं, वो पहले मर्शा उनके लिए एप्लीकेबल होगी कि नहीं। तो काफ़ी सारे उन लोगों के क्वेश्चन थे तो मैं आपको उस टाइम क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन मैं 16 मार्च को दरबार पहुँची तो गुरुदेव जिससे मौका मिला तो मैंने उनसे क्लियर कर लिया कि गुरुजी ये जो शक्ति खुली है वो नए वालों के लिए भी है, कैसा है। तो गुरुदेव ने मुझे क्लियर किया और जैसे मुझे समय मिला और आज मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जो आपके कॉन्टेक्ट में है, और तो एकदम क्लियर कट है जो गुरुदेव जी ने कहा है वही मैं आपको बता रही हूँ, कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो नई शक्ति ये है, होली के दिन ही खुली है। पहले ऐसा होता था, अभी जो मैं बातें बता रही हूँ वो पहले की बातें बता रही हूँ। पहले ऐसा होता था कि हम दरबार आते थे, अर्जी बंधन कराते थे, फिर संकल्प लेते थे, फिर हवन की प्रक्रिया हम अपनाते थे, 5 हवन 5 दिन में करते थे। फिर उसके 15 दिन बाद 5 हवन जैसे होता था, संकल्प लेते थे, उसके 15 दिन बाद हम 6ठा हवन करते थे, फिर उसके 15 दिन बाद हम 7वां हवन करके फिर अमावस्या अटेंड करते थे। पहली अमावस्या जब हम अटेंड करते थे तो हमारे सारे पूर्वज चले जाते थे, मुक्त हो जाते थे एक पूर्वज को छोड़ के। बाकी जब दूसरी अमावस्या आती थी तो जो एक पूर्वज बचा है वो भी चला जाता था। ये था पुराना सिस्टम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या था, ये पुराना सिस्टम था, लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगी वो नया सिस्टम, और ये नया सिस्टम सभी के लिए, पुराने भक्त और नए भक्त सभी के लिए है। कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अभी जो बताऊंगी वो नया सिस्टम नई शक्ति के बारे में, और वो पुराने और नए जो लोग हैं सभी के लिए। नया जो शक्ति है, नई शक्ति है, वो क्या है? अभी भी आप जब पहली बार आते हो, अर्जी बंधन कराते हो, संकल्प लेते हो, ठीक है, अभी भी आप आते हो, अर्जी बंधन कराते हो और संकल्प लेते हो, उसके बाद आप हवन की प्रक्रिया शुरू करते हो। अब जैसे ही आप हवन की प्रोसेस में आप आते हो तो 5 दिन में आपके 5 हवन हो जाते हैं कंटिन्यू। आप एक एक दिन में 5 हवन कर सकते हो, तो 5 दिन में आपके 5 हवन हो गए। 5 हवन आपके जैसे ही होते हैं आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प क्यों लिया जाता है वो भी ध्यान दीजिएगा, नए लोगों को क्लियर हो जाएगा। 5 हवन के बाद हम संकल्प इसलिए लेते हैं जो हमारे पूर्वज सब खुल जाते हैं ना, उनको बांधने के लिए। अगर संकल्प न ले तो परेशानी भी बढ़ा देते हैं और हमको परेशान कर देंगे, आपकी हालत खराब कर देंगे, एकदम खराब। तो जब वो बन जाते हैं ना तो थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाता है, वो तांडव नहीं मचा पाएंगे, कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो 5 हवन के तुरंत बाद आपको संकल्प लेना है, मतलब लेना ही है, ठीक है। अब जैसे आपके 5 हवन हो गए, संकल्प हो गए, उसके 3 दिन बाद आप 6ठा हवन कर लीजिए। पूजनीय बाबा जी माता जी ने आप सभी के लिए बहुत अच्छी शक्ति खोली है। 5 हवन जैसे ही हुए, संकल्प आपने लिया, संकल्प लेते ही आप 5 हवन के 3 दिन बाद 6ठा हवन कर लीजिए। अब जैसे आपके 6ठा हवन हो जाता है उसके 3 दिन बाद आप 7वां हवन कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है आप सभी लोगों के लिए, क्लियर हुआ। 5 हवन 5 दिन में हो गया, संकल्प लिया आपने, संकल्प लेने के बाद 3 दिन बाद आप 6ठा हवन कर लीजिए, उसके 3 दिन बाद आप 7वां हवन कर लीजिए। 7वां हवन करके आप पहली अमावस्या में आते हो। पहले ऐसा होता था कि पहली अमावस्या में सारे पूर्वज आपके मुक्त हो जाते थे एक को छोड़ के, लेकिन अब ऐसा है कि पहली अमावस्या में ही आपके सारे पूर्वज चले जाएंगे, लेकिन आपको दूसरी अमावस्या में आना पड़ेगा। कंपलसरी नहीं है, अगर आप विदेश में रहते हो, बहुत दूर दूर से आए हो, तो एक अमावस्या में सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन दूसरी अमावस्या में आपको आना है। नहीं आते तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करिए आने का।
क्योंकि दूसरी अमावस्या में जब आप आते हो तो आपके जो असर रह जा रहा है ना, अभी आप देख रहे होंगे लोग असर की वजह से बहुत परेशान है रहे, तो दूसरी अमावस्या में आपका जो असर बचा कुचा है ना वो सब चला जाता है। क्लियर हो गया होगा? आना तो आपको तब भी है, पहले भी आप आते थे लेकिन एक पूर्वज को निकलवाने के लिए, लेकिन अभी भी आपको आना है, लेकिन आपको पूर्वज निकलवाने नहीं, असर को निकलवाने आना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, और जो गुरु के मुख से मैंने जाना, गुरुदेव के मुख से, वो मैंने आपको बता दिया, और इसको फॉलो कीजिए। आप सभी के लिए गुरुदेव, पूजनीय माता जी, पूजनीय बाबा जी, जितना हो रहा है मतलब जन कल्याण के लिए, उतनी वो नई नई शक्तियाँ खोले जा रहे हैं। भविष्य में इन फ्यूचर बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, बहुत कुछ आपको ये मिलेगा। कहते हैं ना कि पहले जो लोग एक साल पहले जुड़े थे, 6 महीने पहले जुड़े थे, उनको जो स्ट्रगल करना पड़ा था उस टाइम, हवन तो बाबा ऐसा था कि 7 हवन 7 महीने में होता था। बाबा जी माता जी एक टाइम ऐसा करेंगे कि कर भी सकते हैं कि 7 हवन आप 7 दिन में भी कर सकते हो, क्योंकि जन कल्याण के लिए जो सही है, जो ठीक है, बाबा जी माता जी वो करेंगे, और जितना हो सकेगा सब कुछ सही होगा हमारे लिए, जो सही होगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप अलविदा दीजिए मुझे, और एक बार सभी मेरे साथ बोलिए प्यार से, क्रॉली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव।